क्या बन रहा है अम्मा? अभी बन रहा है फीस और झींगा, और आज हम गए थे बीच पर तो बीच पर से लाए हैं रेड फीस और देखो झींगा। तो पहले इसको हम साफ कर ले, उसके बाद आगे दिखाती हूँ, दिखाती हूँ क्या बनाती हूँ। तो इसको पहले हम साफ कर लेते हैं। तो अभी फ्राई होने वाला है, तो हम फिश के अच्छे से साफ करके बहुत अच्छा से धोए हैं 6-7 पानी से। उसके बाद इसमें हल्दी और नमक और मिर्ची डाल के फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसका मसाला बनाएंगे। तो इधर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद अच्छा से तेल के गरम होने देंगे धुआं निकलने तक। इसके बाद डालेंगे फीस। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे इसी बार में चला गया। बन गया अम्मा, एक साइड फ्राई हो गया है, अब हम दूसरे साइड इसको पलट लेंगे। सब चिपक गया लेकिन नीचे अलग से इसमें एक आलू भी डालेंगे और बहुत ही टेस्टी चीज बनता है। तो अभी मसाला इसका नहीं बनाए हैं, बनाएंगे बताएंगे अभी। आलू के हम छिलका उतार के कट करके अच्छे से धो लिए हैं, इसको भी हम फिश के तरफ फ्राई कर लेंगे। चीज़ फ्राई हो गया, आप इसमें डालेंगे आलू डाल के भी फ्राई करेंगे।
तो फिश के ग्रेवी बनाने के लिए हम मसाला तैयार करने चलते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए हम आधा लहसुन ले लिए हैं, आधा पोट में से हम आधा निकाल लिए हैं, तो लहसुन है आधा, क्योंकि थोड़ा ही फिश है तो हम थोड़ा ही मसाला बनाएंगे। और एक चम्मच सरसों, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसका हम चलते हैं पेस्ट बना लेते हैं। मेरे पास मिर्ची का पाउडर नहीं है तो हम खारा मिर्ची ले लेते हैं। 5 सूखा मिर्ची डालेंगे, रेड वाला। और इसको एक बार ऐसे घुमा लेंगे, उसके बाद पानी डाल के पीसेंगे। तब हम चलते हैं फिश की ग्रेवी बनाने। मसाला का हम पेस्ट बना लिए हैं। तब हम तेल रख दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया, कढ़ाई में डाल दिए हैं सरसों तेल। सरसों तेल के हम अच्छा से गर्म होने देंगे और तड़के में डालेंगे ब्लैक सरसों, येल्लो सरसों और पोस्ता दाना और एक सूखी लाल मिर्ची। तेल के हम अच्छा से गर्म होने देंगे धुआं निकलने तक, क्योंकि सरसों तेल में झांस होता है, तो तेल के अच्छा से गर्म होने देना चाहिए, तभी अच्छा बनेगा। कुछ भी बनाएंगे, सब्जी या मीट मछली कुछ भी बनाएंगे तो तेल अच्छा से गर्म हो गया है। तब इसमें हम डाल रहे हैं सरसों और इसमें थोड़ा सा मेथी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मेथी से। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाला। हम इसके बिहारी टाइप में बना रहे हैं, मतलब प्याज डाल के नहीं बनाते हैं हम लोग, सरसों और लहसुन डाल के बनाते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। नमक डालने के बाद एक टमाटो का हम पेस्ट बनाए थे तो उसको भी डाल देंगे, और गैस के करेंगे मीडियम और मसाला के अच्छा से पकने देंगे। जब तक मसाला में कलर चेंज ना हो जाए, जब तेल ऊपर आ जाएगा, मसाला पकने के बाद तेल ऊपर आ जाता है। मसाला फ्राई हो गया है, तेल ऊपर आ गया है। फ्राई होने के बाद तब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता के भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अच्छा मसाला में फ्लेवर आ जाएगा और पत्ता की ग्रेवी अच्छा बन जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा धनिया पत्ता के भी फ्राई कर देते हैं। बहुत लोग ऊपर से छीट के खाते हैं, लेकिन हम इसको फ्राई कर देते हैं। तो हम गैस के कर लेते हैं तेज, गैस के हम स्लो करके मसाला को पका रहे थे। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी, और ये है जीरा, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट। तो जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी डाल के, जितना चाहिए उतना हम डाल दिए हैं। और इसको चावल या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसमें हम एक उबाल आने देंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, एक उबाल आने देंगे, उसके बाद इसमें हम फीस और आलू डालेंगे। तो ग्रेवी में आ गया है उबाल, तब हम इसमें हम डाल देते हैं फीस।
फिश डालने के बाद एक मिनट इसको और पकाएंगे, उसके बाद फिश बन के रेडी। तो ये एक मिनट इसको और पकाएंगे और ढकेंगे नहीं, फिश हम ढक के नहीं पकाते हैं, टेस्ट नहीं आता है ढक के पकाने से। तो यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर हम कर लिए हैं गैस के ऑफ और फिश बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम नीचे उतार लेते हैं। तो ये फिश बनाने का मेरा तरीका कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा शेयर करिए, एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।